देखो तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि मैग्नेटिक फोर्स और ना मूविंग चार्ज, कोई एक चार्ज था मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था और उस पर फोर्स लग रहा था। तो हमने सबसे पहले उस पर फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड किया था, फोर्स का डिरेक्शन फाइंड किया था, उसके बाद हमने ये फाइंड किया था कि उससे चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या होने वाला है, वो कौन सा रास्ता लेगा मैग्नेटिक फील्ड में, वो सब कहानी हमने कर लिया था। आज का अपना टॉपिक है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग वायर, कि अगर हम किसी करेंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस करेंट कैरिंग वायर पे भी फोर्स लगता है। और ये तो ऑब्जर्व हुआ था एक्सपेरिमेंट से देखने के बाद ही इसके कुछ थ्योरेटिकल इसके प्रोसेस से पहुंचा गया या थ्योरेटिकल कंक्लूजन आया। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हम कैसे समझें कि एक करेंट कैरिंग वायर पे भी मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है। तो इसका बेस आपका जो पहले स्टडी कर चुके हो आप वहीं से समझ सकते हो कि करेंट कैरिंग वायर का मतलब ये हुआ कि उसमें चार्ज मोशन में है, और हमने पहले से सीख के बैठे हैं हम लोग कि जब चार्ज मोशन में होता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो वैसे ही आप यहाँ भी चीज समझ सकते हो कि करंट कैरिंग वायर के अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो मूव करता है, और उसके मूव करने के चलते आपका जो चार्ज मूव कर रहे थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उन पे फोर्स लग रहा होगा, तो उस वायर पे भी हम बोल सकते हैं कि फोर्स लगेगा। सिंपल सी कहानी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर लिया है। सब लोग यहाँ ध्यान से देखना कि मैं ये फॉर्मूला किसके लिए बना रहा हूँ, कौन कौन से कंडीशन में मैं ये फॉर्मूला बना रहा हूँ, उसी कंडीशन के लिए ये फॉर्मूला तुम्हारा वैलिड होगा। जैसे ही कंडीशन मैं चेंज कर दूंगा मैं तुमको आगे बताऊंगा कि कंडीशन चेंज करने के बाद कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो तुम लोग ध्यान से सुनना हर बात को। हमने लिया है कि कंसिडर अ स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर या वायर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, और जो भी कहानी हम लोग करेंगे वो हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए करेंगे। पूरे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म रहेगा। पूरे वायर का मतलब ये हुआ कि उस वायर का जहां जहां पे भी सेक्शन है उन सारे हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम आने वाला है। तो सबको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, बी मैंने लिखा है, और जो फील्ड का डिरेक्शन है वो है परपेंडिकुलर टू द पेज एंड गोइंग इनवर्ड। और एक स्ट्रेट वायर जिसमें करेंट आई है उसका लेंथ एल है, उसको मैंने उस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो हमको इसी पे फोर्स फाइंड करना है। तो अगर तुम लोगों को पहला क्लास याद हो तो तुम लोग एक बात बता सकते हो कि इस करेंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स का डिरेक्शन क्या आने वाला है। सबको अगर याद हो तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। हमने तुमको राइट हैंड थंब रूल बताया था कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज का वेलोसिटी अगर राइट साइड में है और मैग्नेटिक फील्ड इसमें अगर इनवर्ड है, तो आपको अपना फिंगर शो करना है टुवर्ड्स वेलोसिटी और फिर जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ घुमाना है। तो जब आप वैसे करोगे ना तो यहाँ पे आपका जो फोर्स का डिरेक्शन आएगा वो कुछ आएगा कुछ इस तरफ। देखो इधर ये आपका आएगा डिरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब कि अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस आप भी आप बोल सकते हो, और जो वेलोसिटी था आप उसको अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही बोल सकते हो। और आप तो एक राइट हैंड थंब रूल से फाइंड कर सकते हो फोर्स का डिरेक्शन, या अगर उसमें कुछ तकलीफ हो रहा है तो जो हम लोग वेक्टर वाला सीखे थे क्रॉस प्रोडक्ट, आप वहां से भी कर सकते हो वी क्रॉस बी फाइंड करके, डिरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी फाइंड करके। तो यहाँ पे वी आपका है वो है प्लस आई कैप में देखो, और जो आपका बी था वो है माइनस के कैप में। तो आई क्रॉस माइनस के जब ये तुम करोगे तो ये प्लस जे कैप ही आएगा, और प्लस जे कैप का मतलब ये हो गया तुम्हारा अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो आप ऐसे ही कर सकते हो, आप राइट हैंड थंब रूल से भी कर सकते हो। और तुम लोग को और कुछ बेसिक बातें अगर पता हो तो जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है उसी तरफ हम लोग मानते हैं कन्वेंशनल डिरेक्शन ऑफ करेंट, मतलब इस करेंट कैरिंग वायर में मेरा जो डिरेक्शन है करेंट का वो है टुवर्ड्स राइट साइड। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो कर रहा होगा टुवर्ड्स राइट साइड, तो इस करेंट कैरिंग वायर पे भी जो आपका फोर्स आएगा वो आएगा कहीं पे टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इस तरफ आपका आने वाला है मैग्नेटिक फोर्स। और हमको इसी मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो चलो फाइंड करते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने इसे करेंट कैरिंग वायर का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा, मतलब मैंने इसको बहुत जूम किया। तो जूम करने के बाद इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू आएगा। और उस माइक्रोस्कोपिक व्यू में मेरे को ये एक सिलेंडर की तरह दिखेगा, ये जो मेरा वायर था वो एक सिलेंडर की तरह दिखेगा कुछ ऐसा। इस सिलेंडर का लेंथ एल होगा, ये आपका वायर ही है, मैंने इसको जूम किया है माइक्रोस्कोपिक व्यू इसका। इसमें करेंट था राइट साइड में कुछ आपका ऐसा आई,
और अगर ये मेटालिक कंडक्टर है तो हम लोग मेटालिक कंडक्टर मान के चलते हैं, तो इसमें जो चार्ज होगा वो आपका होगा इलेक्ट्रॉन, तो वो करेंट के अपोजिट डिरेक्शन में मूव कर रहा होगा, और कौन से वेलोसिटी से, हमने सीखा था इन द चैप्टर ऑफ करेंट कि आपका जो करेंट आता है उसे हम करते हैं कंसिडर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा अपोजिट टू द डिरेक्शन ऑफ करेंट, मतलब कि इसमें जो चार्ज पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन वो वीडी वेलोसिटी से करेंट के अपोजिट डिरेक्शन में मूव कर रहा था, और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड तो ही रह जाए क्रॉस में ही, आपका मैग्नेटिक फील्ड है ये पूरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है ओके। और मान लीजिए कि ये जो मेरा वायर था उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसका लेंथ एल है, और एक मैं और टर्म लूंगा स्मॉल एन, स्मॉल एन हम लोग लेते थे कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर तुम लोग को याद हो तो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ओके। मैं अभी क्यों ले रहा हूँ तुमको समझ में आ जाएगा, थोड़ा वेट कर लो ओके। अच्छी बात है, तो अगर हम इसे एक इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करें तो हम क्या बोलेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्या आ जाए ना, क्यू भी क्रॉस डी, अगर तुम लोग को याद हो तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई, एंड वी क्रॉस डी, तो वी के प्लेस लेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, और उससे जो मेरा चार्ज पार्टिकल था उस पे चार्ज था निगेटिव, तो आपको यहाँ पे माइनस साइन भी ऐड करना पड़ेगा। ये माइनस साइन बता रहा है कि जिस तरफ वी क्रॉस डी आएगा उसके जस्ट अपोजिट होगा मैग्नेटिक फोर्स, और ये मैंने तुमको पहले क्लास में बताया भी था कि अगर चार्ज होता है निगेटिव तो जिस तरफ वी क्रॉस डी आता है उसके जस्ट अपोजिट फोर्स होता है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। ये तो ये आपका हो गया माइनस ई वी डी क्रॉस डी। यहाँ पे फिलहाल क्या है कि एंगल बिटवीन, यहाँ पे फिलहाल एंगल बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे एंगल बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड वो आपका है 90 डिग्री, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पेज के परपेंडिकुलर है और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो आपके पेज के प्लेन में ही है, तो एंगल आएगा 90 डिग्री। अच्छी बात है सर, तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हम बस बात कर रहे हैं अभी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का, तो आपका हो जाएगा ई बी डी बी एंड साइन 90, क्योंकि वी क्रॉस बी आपका आएगा वी बी साइन थीटा ओके सर, तो ये तुम्हारा जाएगा ई वी डी बी, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो आप सॉरी दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, और ये आपने फाइंड किया है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये आपने फाइंड किया है फोर्स ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब इस मेरे करेंट कैरिंग वायर में एक तो होगा ना ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और सभी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक तरफ ही होगा, तो सभी के फोर्स भी एक ही तरफ होगा, मतलब कि अगर हमको नेट फोर्स फाइंड करना है उस वायर पे तो हम लोग फाइंड करेंगे कि जितने भी उस वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन थे सबके फोर्स का समेशन और सबके फोर्स का वैल्यू सेम है, तो क्यों ना हम लोग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फाइंड करके उसमें एक फोर्स से मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल, तो हम लोग फाइंड करेंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय द फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए देखो मेरे पास क्या है, हम लिया था स्मॉल एन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो आपका एन हो गया, और इसमें आपको वॉल्यूम से करना होगा मल्टीप्लाई, वॉल्यूम ऑफ द वायर, उसके लिए मैंने इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया था ए और इसका लेंथ था एल, तो ए इंटू एल इज द वॉल्यूम, और उसने मैंने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको मिल गया है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन के फोर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो E V D B, दिस इज द नेट फोर्स ऑन दैट करेंट कैरिंग वायर ओके। चलो देखो, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एन ए वी डी ई एल बी, सब लोग देखो ध्यान से, और तुम लोगों को अगर करेंट वाले चैप्टर का कुछ बातें याद हो तो हम लोग लिखते थे कि करेंट इन अ कंडक्टर इज एन ए वी डी ई, कुछ अगर तुम लोगों को याद हो तो, जबकि इसके प्लेस हम लिख देंगे आई और ये हो जाएगा एल और ये हो जाएगा बी, सो नेट फोर्स ऑन दैट करेंट कैरिंग वायर इज आई एल बी, करेंट इनटू लेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड, और ये और यहां से आपको मिलेगा मैग्नीट्यूड, यहां से आपको मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब देखिए, तो ये जो हमने केस लिया था इसमें मेरा वायर स्ट्रेट था, मैग्नेटिक फील्ड वायर के परपेंडिकुलर था, ये सब मैंने ऐसा कंडीशन के लिए बनाया है। अगर मान लीजिए कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी और लेंथ ऑफ द वायर, देन
अब जो आपका नेट फोर्स का फॉर्मूला बनेगा वहां पे आप अब यूज करोगे आई एल बी एंड साइन थीटा। इस पार्टिकुलर किसके लिए क्या था, थीटा का वैल्यू था 90, तो साइन 90 आपका 1 हो गया था, तो फोर्स आ गया था आई एल बी। और अगर मान लीजिए कि आपका जो वायर है और उससे वायर के लेंथ के या फिर वायर के ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 नहीं हो, तो हम लोग लिखेंगे आई एल बी साइन थीटा। ओके चलिए अच्छी बात है। तो ये तो आपका हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड इन जनरल, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। इन जनरल इन वेक्टर फॉर्म हम लोग लिखते हैं कि नेट फोर्स इन वेक्टर फॉर्म इज आई एल क्रॉस बी। आई एल क्रॉस बी, देखो यहां पे मैंने एल को वेक्टर के टर्म में लिखा है, तो एक्चुअल में जो तुम्हारा ये एल वेक्टर है ना, इसको हम बोलते हैं लेंथ वेक्टर, इसको हम बोलते हैं लेंथ वेक्टर। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रेट वायर, और जो इसका डायरेक्शन होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट, तो जो लेंथ होता है वो होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट। मतलब कि जो गिवेन क्वेश्चन था उसके लिए, जैसे मान लीजिए ये आपका वायर था और इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा था और इसका लेंथ एल था, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि एल वेक्टर इक्वल टू, इसका लेंथ कितना है एल और करंट कहाँ है, करंट है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसमें आप लोग आई कैप ऐड कर देना, तो दिस इज द लेंथ वेक्टर एल आई कैप। अगर वही आपका वायर कुछ ऐसा रहता और करंट इस बार कहाँ है, इसमें इस बार है अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस और मान लीजिए कि इसका लेंथ एल था, तो लिखते हैं यहाँ पे एल वेक्टर इक्वल टू एल जे कैप। तुम लोग इसको ऐसे याद रखना कि लेंथ वेक्टर कहाँ आने वाला है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, और उसका मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है, वो आपका आएगा इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, आप लोग याद रखना। ओके तो ये आपका आ गया कि फोर्स ऑन दैट वायर इज आई एल क्रॉस बी, समझ में आया ना। तो अब हम लोग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमको करंट पता रहेगा, उसका लेंथ पता रहेगा, उसमें करंट का डिरेक्शन पता रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का आपको डिरेक्शन पता रहेगा, तो आप वहां से मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यहां तक में किसी को कोई तकलीफ? चलो तो मैंने यहां पे नोट्स में कुछ पॉइंट लिया है। पहला पॉइंट है कि इफ लेंथ ऑफ वायर इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर इज इक्वल टू जीरो, और ये होना भी चाहिए क्योंकि जैसे ही तुम्हारा लेंथ हो जाएगा इधर पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो जो लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्रॉस आपका आने वाला है प्रोडक्ट, वो आ जाएगा जीरो, क्योंकि उनके बीच का एंगल या तो हो जाएगा जीरो या तो हो जाएगा 180, और जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल जीरो या फिर 180 होता है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है, समझे। जैसे मान लीजिए कि अगर इस तरफ था मैग्नेटिक फील्ड, इस बार मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिया है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो मेरा वायर था मान लीजिए कि अगर मेरा वायर भी हो जाए अलोंग एक्स एक्सिस ही, और उसमें करंट आपका हो जाए आइदर टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस या फिर आपका हो जाए टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस, तो इस पहले केस में एंगल है 0 डिग्री, इस दूसरे केस में एंगल आपका हो जाएगा 180 डिग्री, तो इन दोनों ही केस में उससे वायर पे मैग्नेटिक फोर्स आने वाला है जीरो, समझ में आया ना। तुम ये सब बातें याद रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा, और ये देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि व्हेन वायर इज ऑफ रैंडम शेप, मतलब कि अब आपका वायर जो है वो एक सिंगल स्ट्रेट वायर नहीं होगा, उसका शेप कुछ भी हो सकता है, तब कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो मैंने तुमको अभी बताया था वो था ओनली फॉर स्ट्रेट वायर, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अभी भी यूनिफॉर्म मान के चल रहा है। तो जैसे मान लो कि ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड था, देखो यहाँ पे हम लोग जनरली मानते हैं मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द पेज गोइंग इनवर्ड, आप इसको आउटवर्ड भी मान सकते हो, आप इसको अलोंग एक्स एक्सिस भी मान सकते हो, आप इसको अलोंग वाई एक्सिस भी मान सकते हो, ये थोड़ा अच्छा लगता है बनाने में, तो बस हम लोग उसको ऐसे क्रॉस में बनाते चलते हैं, या जनरली जो आपका फील्ड होता है वो क्रॉस में होता है, लेकिन आपका किसी भी पार्टिकुलर डिरेक्शन में हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। और मान लो कि इस
मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक वायर रखा है और उस वायर का शेप कुछ ऐसा रैंडम शेप है आपका। मान लो ये आपका वायर है, ठीक है, ये इस बार तो स्ट्रेट नहीं है और इसमें मान लीजिए एक करेंट आई था। मैग्नेटिक फील्ड मेरा अभी भी यूनिफॉर्म है और इस वायर का दो एंड है, एंड ए और एंड बी, और आपको इससे फाइंड करना है मैग्नेटिक फोर्स। तो देखो बहुत ही आसान है, करना क्या है, तो आपको अगर इससे मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है तो आपको लिखना होगा आई एल क्रॉस बी। तो हमको आई पता रहेगा और बी वेक्टर भी आपको पता रहेगा कि वो है परपेंडिकुलर टू द पेज गोइंग इनवर्ड, तो लग रहा है आपको यहाँ फाइंड करने का एल वेक्टर। तो सुनो आपको करना क्या है, तो जब भी आपके क्वेश्चन में एक सिंगल स्ट्रेट वायर ना देके कुछ रैंडम शेप दिया रहे, उस केस में आप इसके दो एंड के, इस वायर के दो एंड को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना। देखो ये इसके दो एंड को आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना, मैंने कर दिया ज्वाइन, और ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है ना ए बी, ये अब आपको ए बी वेक्टर देगा, लेंथ वेक्टर, दिस ए बी वेक्टर। आपको उसके एंड के एंड को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, तो नाउ ए बी वेक्टर जिस जो लाइन आपने उन दोनों एंड को ज्वाइन करने में यूज किया है वही लाइन आपको देगा फिर से एल वेक्टर। और जैसे ही आपको एल वेक्टर लाइन मिल गया है तो हमको तो फॉर्मूला पता ही है लाइन के लिए कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ओके अब तुम चेक कर लेना खाली कि इसमें करेंट का डिरेक्शन क्या था। तो हमने चेक किया था कि इस वायर में करेंट था फ्रॉम ए टू बी, तो जो आपका स्ट्रेट वायर ए बी है या जो आपका स्ट्रेट लाइन ए बी है इसमें भी करेंट होगा, क्या इसमें जो आपका एल वेक्टर का डिरेक्शन आएगा वो भी आएगा फ्रॉम ए टू बी, सो दिस इज द डिरेक्शन ऑफ एल वेक्टर। समझे क्या? हालांकि उससे स्ट्रेट पाथ पे कोई वायर है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग उसके लिए जो एल वेक्टर लेंगे वो हम लोग स्ट्रेट पाथ ही लेंगे। समझ में आया? जल्दी बोलो बोलो। देखो तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, तुम लोग भी इसको लिख लेना, जो मैंने कहानी बोला था वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो सब लोग इसको लिख लो। और इसके हम लोग कुछ अब देखते हैं और भी एग्जाम्पल्स ऑन सम रैंडम शेप वायर। जैसे मान लो कि मेरे पास एक सेमी सर्कुलर वायर है और ये रहा इसमें करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, और जहां पे मैं डॉट से शो कर रहा हूं मतलब कि वहां पे वायर नहीं है, ठीक है, और ये मान लो एंड ए था, ये एंड बी है, इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बी, ये इसका सेंटर है, इसका रेडियस आर है, और आपको फाइंड करना है इस सेमी सर्कुलर वायर पे मैग्नेटिक फोर्स। तो हमने क्या बोला कि जैसे तुमको कर्व एक वायर मिल जाए या रैंडम शेप का वायर मिल जाए तो उस केस में आपको एल वेक्टर कैसे फाइंड करना होगा, तो इसके दो एंड को आप एक लाइन से ज्वाइन करो। तो देखो उस जब मैं उसके दो एंड को एक लाइन से ज्वाइन करूंगा तो मेरे को मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन, मेरे को मिलेगा ये स्ट्रेट लाइन ए बी। ओके और इसका लेंथ कितना आने वाला है, इसका लेंथ आने वाला है टू आर, इसका लेंथ आने वाला है टू आर। ओके सर, और इस ये जो लेंथ वेक्टर का आएगा डिरेक्शन, उसके लिए तुम चेक करो कि इस सेमी सर्कुलर वायर में करेंट कैसे था, तो करेंट था फ्रॉम ए टू बी, तो इसका भी लेंथ वेक्टर का आएगा डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एल वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए टू आर उसका हो गया है मैग्नीट्यूड और ए टू बी है ना, तो आप उसको चाहो तो आई कैप में लिख सकते हो, प्लस आई कैप में हो जाएगा प्लस आई कैप, तो ये आपको मिल गया है एल वेक्टर। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर था बी वेक्टर, आप उसको लिख सकते हो बी एंड माइनस के में, तो फोर्स फाइंड कर लो, फोर्स बराबर आई एल क्रॉस बी। तो करेंट तो हमने आई लिया, तो आई एल वेक्टर के प्लेस पे आप लिखो टू आर आई कैप, क्रॉस बी के प्लेस पे आप लिखो बी माइनस के कैप। तो आप चाहो तो इस फोर्स का डिरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से भी फाइंड कर सकते हो। देखो तो कितना कहाँ आएगा, ये क्रॉस था ना मेरा, मैं फील्ड है क्रॉस में और एल वेक्टर है टुवर्ड्स राइट साइड, तो देखो फिर से आपका फोर्स आएगा पॉजिटिव वाई में, और वो आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो। तो आई यहाँ आप रहने दो यहाँ पे, और आपको फाइंड करना है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट,
तो आई क्रॉस माइनस के है ना, तो आई क्रॉस के होता है माइनस जे, और उसमें भी पहले से माइनस है तो आपका हो जाएगा प्लस जे, तो मतलब प्लस जे में आपका आने वाला है नेट फोर्स, और आप कर दो 2R into B, तो 2R B हो गया। तो देखो 2I RB+J, दिस इज द फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। अगर तुमसे पूछे फोर्स का मैग्नीट्यूड, हो जाएगा ओनली 2I RB। समझ में आया क्या? बोलो जल्दी से बोलो। और यहां से तुम ये, जैसे हमने आई और के में यूज किया है, तो तुम ऐसे अगर करोगे तो फोर्स तुमको वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि आई और जे के में, या फिर हम वेक्टर फॉर्म में हमको यूज नहीं करना है, तो तुम सिंपल करते यूज क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज iL/B sin θ। तो देखो यहाँ पे जो थीटा है वो तुम्हारा 90 ही आ जाएगा, क्योंकि लेंथ वेक्टर तुम्हारा आएगा अलोंग वाई एक्सिस पेज के प्लेन में, सॉरी लेंथ वेक्टर तुम्हारा आएगा अलोंग एक्स एक्सिस ना, अलोंग एक्स एक्सिस उस पेज के प्लेन में, और जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है वो आएगा पेज के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो थीटा हो जाता 90, तो सिंपल फोर्स आता iL/B। तो आई और लेंथ हो जाता 2R और into B, तो देखो वही आता 2I RB। तो आप ऐसे भी फाइंड कर रहे थे फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड, और आप अगर उसको आई जे के में यूज कर रहे हो तो आपको फोर्स के साथ साथ डिरेक्शन भी मिल जाएगा, फोर्स आपको वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। तो वो एक प्रॉपर तरीका हुआ आई जे के में के टर्म में यूज करने का। समझ में आया ना? मतलब देखो सिंपल सा हम यहाँ से एक कहानी क्या समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर वायर रखा, और उस सेमी सर्कुलर वायर में करंट आई था, तो मेरा फोर्स कितना आया है 2I RB। अगर हम इस सेमी सर्कुलर वायर के जगह पे अगर सिर्फ एक स्ट्रेट वायर ही रख देते और उसका लेंथ हम अगर ले लेते 2R, तो उस पे भी उतना ही फोर्स आता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो जल्दी से बोलो। यहाँ भी फोर्स कितना आता, इससे भी फोर्स 2। हाँ हमने बोला कि उस सेमी सर्कुलर वायर के जगह पे हम अगर एक 2R लेंथ का वायर रख दें ऐसे, तो उस पे भी फोर्स उतना ही आएगा जितना उस सेमी सर्कुलर वायर पे आया था। हाँ तो ये कंसेप्ट तुम लोग याद रखना, ठीक है? ओके तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल खुद से बताना। बताओ अब इस पे नेट फोर्स कितना आने वाला है। अब देखो ध्यान से, तो मैंने ए से बी को जो लाइन ज्वाइन किया वहां, इस पर मैंने डॉट शो नहीं किया है, वहां पे मेरा सॉलिड लाइन है। तो सॉलिड लाइन का मतलब ये हुआ कि वहां पे इस बार वायर है, ठीक है ना? और देखो मैंने करंट का डिरेक्शन भी शो कर दिया है। और मैं अब तुमसे पूछूंगा कि इस जो आपका लूप है, फिर से आपका सेमी सर्कुलर लूप ही है, इस पे नेट फोर्स कितना आने वाला है, जल्दी बताओ। नहीं भाई, 2I RB इस बार नहीं होगा, इस बार 2 times of 2, इस बार होगा 2 times of 2I RB। बोलो कैसे? क्योंकि मैं इस पूरे सेमी सर्कल को दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। एक तो ये सेमी सर्कुलर वायर, देखो ये समझे, तो इस पे कुछ फोर्स होगा, और जो सेकेंड वाला ये हो जाएगा। बिल्कुल देखो, हमने जो इससे पहले तुमको फोर्स फाइंड किया था उसमें क्या था कि मेरा, हाँ जो इससे पहले वाले क्वेश्चन फाइंड किए थे उसमें मेरा नीचे में वो वायर नहीं था, केवल वो ऊपर वाला जो है ना कर्व वाला, सिर्फ वही था नीचे में मैंने। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन में हमने नीचे वाले में डॉट शो किया था, तो वहां पे वायर नहीं था। समझ में आया ना? तो जितना इस सेमी मतलब जितना तुम्हारा कर्व वाला जो पोर्शन है उसके चलते फोर्स आएगा, उतना ही इस स्ट्रेट के चलते ही फोर्स आएगा, और दोनों के फोर्स का इस बार सेम आएगा डायरेक्शन। देखो आएगा ना, चेक करो, दोनों के फोर्स का सेम ही आने वाला है डायरेक्शन, आएगा ना बताओ। ओके मतलब ये इस बार इस पे जो नेट फोर्स आने वाला है वो तुम्हारा जाएगा 2 times of फोर्स ऑन 1 पार्ट, तो 2 times of 2I RB, तो नेट फोर्स तुम्हारा जाएगा 4I RB, और नेट फोर्स जहाँ पे लास्ट केस में आया था इस बार भी आएगा उस तरफ ही प्लस जे में। समझा?
बाकी लोग सोच के बताना ये क्वेश्चन। अब बताओ नेट फोर्स। सोचो, हिंट मैं दे रहा हूं इसको, दो पार्ट में ब्रेक कर लो, एक तुम्हारा कर्व वाला पार्ट और एक तुम्हारा स्ट्रेट वाला पार्ट, और बताओ नेट फोर्स कितना आने वाला है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन और इसमें अंतर क्या हो रहा है, तुम एक बार चेक करो, तुम दोनों डायग्राम को तुम लोग देखो और बताओ कि इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या हो रहा है, चेक करो तुम। देखो तो इस क्वेश्चन में, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन लिया था, उसमें सेंस ऑफ करंट दोनों पार्ट में सेम नहीं था, चेक करो, एक में था क्लॉकवाइज में तो एक में था एंटी क्लॉकवाइज, था ना। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है, इसमें सेंस ऑफ करंट सेम है एंटी क्लॉकवाइज में, ए सॉरी यहाँ पे क्लॉकवाइज में ही है ना। देखो ध्यान से अंतर क्या आ रहा है वो देखो पहले। अब फिर से जैसे हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया, पार्ट वन एक कर्व वाला, तो एक करंट आई रह गया, और यहाँ पे शो कर दो डॉट से, ये ए और बी। पार्ट टू जो तुम्हारा होगा वो होगा एक स्ट्रेट वायर, उसके लिए ए है और ये बी है, और इसमें करंट तुम्हारा आई है। अब ध्यान से देखो, तो इस कर्व वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था, कि इसके एंड पॉइंट को तुम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। तो इस कर्व पार्ट के लिए जो तुम्हारा लेंथ वेक्टर क्या आने वाला है, देखो तो जो तुम्हारा एल वेक्टर आएगा वो आएगा 2R प्लस आई कैप, देखो तो चेक करो, आएगा 2R प्लस आई कैप, क्योंकि उसमें करंट तुम्हारा है ए से बी की तरफ, चेक करो जल्दी से। ओके, और इस स्ट्रेट वायर के लिए जो तुम्हारा एल वेक्टर आएगा वो आएगा 2R माइनस आई कैप, चेक करो ये भी। हाँ, और गेम यही चेंज हुआ है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोनों का एल वेक्टर एक तरफ ही था, और यहाँ पे दोनों का एल वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है ना। चलिए, तो अब ये दो पोर्शन का एल वेक्टर आ गया है एक दूसरे के अपोजिट, और दोनों के एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर हम एक बार चेक करें कि इन पे फोर्स का डिरेक्शन क्या आने वाला है, तो चलिए हम लोग एक साथ ही फाइंड करते हैं। तो फोर्स बराबर क्या होता है, आई एल क्रॉस बी। तो इस फर्स्ट जो आपका था पोर्शन, उसमें करेंट आई था, इसका एल वेक्टर आया है 2R i कैप, तो 2R i कैप क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी एंड माइनस के कैप, कुछ ऐसा होगा। तो ये आपका आ रहा है 2I RB एंड I क्रॉस माइनस K, करने से आपका आ जाएगा प्लस J कैप। तो इस कर्व वाले पार्ट पे जो फोर्स आएगा वो आपका आएगा 2I RB प्लस J कैप। अब चेक करते हैं कि वो जो मेरा स्ट्रेट वाला पार्ट था उस पे फोर्स कितना आ रहा है और क्या आने वाला है उसका डायरेक्शन। तो इस पे आपका फोर्स आ जाएगा, फोर्स बराबर फिर से I L क्रॉस B, तो I इस बार जो इसका L था वो तो आपका हो जाएगा 2R माइनस i कैप में, एंड क्रॉस बी तो वही रह जाएगा, तो बी माइनस के। जब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा जाएगा 2I RB माइनस जे कैप आएगा ना। तो देखो दोनों इसे पार्ट पे इक्वल फोर्स था, अपोजिट था डायरेक्शन, तो इसलिए नेट फोर्स आ जाएगा आपका 0। और ये तुम ऐसे भी सोच सकते थे कि मैंने तुमको बताया था कि अगर मैं इस सेमी सर्कुलर पार्ट वाले वायर को एक स्ट्रेट वायर 2R से 2R लेंथ से रिप्लेस कर दूं, तो दोनों पे फोर्स इक्वल ही होगा। तो एक्चुअल में जो मेरा सेकेंड पार्ट था उसके अपोजिट में करंट था, तो अपोजिट में फोर्स आएगा, तो उसको कैंसिल करके 0 ही कर देता। समझ में आया क्या? अगर ये तुमको समझ में आ गया तो यहाँ से मैं एक कंक्लूजन पे जाऊंगा, बोलो जल्दी से। ओके, बाकी लोग
हमने यहां पे लिखा है कि इफ अ क्लोज करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन लूप इज जीरो। और आप सिर्फ क्लोज लूप देख के मैग्नेटिक फोर्स जीरो मत कर देना, क्लोज लूप के साथ साथ देखो मैंने यहाँ पे एक बात और लिखा है कि करेंट शुड बी इन सेम सेंस, उस पूरे लूप में करेंट सेम सेंस में होना चाहिए, मेरा लूप क्लोज होना चाहिए, तभी नेट मैग्नेटिक फोर्स जीरो आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो नेट मैग्नेटिक फोर्स जीरो होने के लिए क्लोज ए लूप शुड बी क्लोज, करेंट शुड बी इन सेम सेंस या सेम डिरेक्शन, एंड थर्ड मैग्नेटिक फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म। तो जैसे मान लो कि मैंने ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया और इसमें मेरा एक क्लोज लूप ऐसा था, कुछ ऐसा रैंडम से कुछ भी हो सकता है, तो इसमें देखिए कुछ एक करंट ऐसा रहा, तो ये लूप मेरा क्लोज भी है, इसको मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा है और करंट पूरे लूप में सेम सेंस में भी है, तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो आपका आने वाला है जीरो। ओके ना। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, जो मैंने अभी क्वेश्चन लिया था वो भी तो एक क्लोज लूप ही था और करंट सेम सेंस में ही था और उसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ही रखा था, तो अब इसको हम लोग देख के ही बोल देंगे कि इस पे नेट मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। समझ में आया क्या? बोलिए। ओके, क्या इस पे हम लोग नेट मैग्नेटिक फोर्स जीरो बोल सकते हैं थर्ड केस वाले में? देखिए, अरे नहीं बोल सकते भाई, करेंट सेम सेंस में नहीं है। देखो ये क्वेश्चन मैंने कराया था, इस पे नेट फोर्स आया था, चेक करो एग्जांपल, जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया उससे पहले जो क्वेश्चन कराया था वो यही तो था, नेट फोर्स जीरो नहीं आया था। हाँ करेंट सेम सेंस में नहीं है देखो, हाँ करेंट पूरे लूप में सेम सेंस पे नहीं है, समझे ना? समझ रहे हो क्या? जल्दी बोलो। चलो एक दो और देख लो ताकि दिमाग खुल जाए। यहाँ पे बोलो बोलो जीरो। अच्छा ठीक है, आने दो आने दो, आए तो बताना। आया क्या? ठीक है आएगा, वेट करो। वेरी गुड, पहले वाले केस में जीरो होगा, दूसरे वाले केस में जीरो नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड वाले केस में तुम्हारा करेंट पूरे लूप में सेम सेंस में नहीं है। चलो इतना कर ही लियो तो एक और कर लो। बोलो तो इसमें ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, करेंट सेम है, आई इधर भी है, यहाँ भी जीरो नहीं होगा। ठीक से डायग्राम देखो, ठीक से पूरे लूप में करेंट सेम सेंस में नहीं है। ठीक है चलो समझ में आ गया मतलब। अब क्वेश्चंस करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, तुमको लेंथ दिया हुआ है, करंट दिया है और मैग्नेटिक फील्ड भी हमको दिया है, दो क्वेश्चन है और हमको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। जल्दी से सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि अ वायर ऑफ लेंथ एल कैरीज अ करेंट आई अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, तो
तो हो सके तो एक डायग्राम बना लो, थोड़ा सा और समझने में आसानी हो जाएगी। तो एक वायर है, इसका लेंथ एल है, इसमें करंट आई है, और ये लॉन्ग एक्स एक्सिस रखा हुआ है, और बोला है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर इफ मैग्नेटिक फील्ड इज। पहले केस में ये तुम्हारा फील्ड है, दूसरे केस में ये तुम्हारा फील्ड है, और दोनों ही केस में मेरा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, वो सबको दिख रहा होगा। ओके, अब तुमको अगर फोर्स फाइंड करना है, चलो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो फोर्स क्या हो जाएगा, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहाँ पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दिया रहे, तो तुमको लेंथ वेक्टर, जो लेंथ है एल वेक्टर, उसको भी आई जे के में ही लिखना है, वेक्टर फॉर्म में ही लिखना। बोलो कितना आने वाला है। तो करेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, तो एल वेक्टर भी आएगा अलोंग एक्स एक्सिस ही। ओके, तो तुम्हारा जो लेंथ वेक्टर आ रहा है वो आएगा एल आई, एल आई कैप। हाँ बिल्कुल, तो चलो अब सॉल्व करो यहाँ से। तो करेंट तो आ ही था, लेंथ आपका हो गया है एल आई कैप क्रॉस, पहले केस में फील्ड गया है आपका बी नॉट जे कैप प्लस बी नॉट के कैप हो गया। अब इसमें क्या तकलीफ तुम लोग को हो रहा है बताओ। तो आई को मैं अभी रखता हूँ सेपरेटली बाहर में ही, एल आई कैप क्रॉस बी नॉट जे कैप। तो पहले आप लिख लो एल बी नॉट, स्केलर जो थे उनको कर लो मल्टीप्लाई। अब है आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे आपका होता है के कैप, तो आई क्रॉस जे इज के कैप। अगर तुमको ये नहीं पता है तो क्लॉक रूल अगर मैं तुमको एक बार रिमाइंड करा दूं कि हम जब क्लॉकवाइज में जाते हैं तो आता है पॉजिटिव, अभी आई क्रॉस जे इज प्लस के, जे क्रॉस के इज प्लस आई, के क्रॉस आई इज प्लस जे, और जब हम जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो हम लेते हैं माइनस में, ये तुमको याद होना चाहिए। चलो, तो ये तुम्हारा आ गया है एल बी नॉट के कैप। अब उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा प्लस एल इंटू बी नॉट, तो फिर से वही रह जाएगा स्केलर। अब इस बार है आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के हम जा रहे हैं एंटी क्लॉक वाइज, हो जाएगा माइनस में, तो आई क्रॉस के इज माइनस जे, तो तुम्हारा जाएगा माइनस जे कैप। तो जो तुम्हारा फोर्स आ रहा है वो आ रहा है आई एल बी नॉट कॉमन, तो एल बी नॉट के कैप माइनस जे कैप, दिस इज द फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। अगर तुम चाहते हो इसका फाइंड करना मैग्नीट्यूड, तो देखिए यहाँ पे के कंपोनेंट है और जे कंपोनेंट है, तो तुमको मैंने बताया था कि अगर आई जे के में वेक्टर दिया रहा है और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है स्क्वायर रूट ऑफ आई वाले कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस जे वाले कंपोनेंट का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे दोनों का ही कंपोनेंट सेम ही है, तो मतलब तुम्हारा जो मैग्नीट्यूड आने वाला है वो आएगा रूट टू टाइम्स ऑफ आई एल बी नॉट, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक फोर्स। अब समझ में आया क्या, जल्दी बताओ तो बोलो। तो सेकेंड वाला तुम लोग खुद से करो ये घर पे, वो भी ऐसे ही करना है, बस वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का तीनों ही कंपोनेंट था, आंसर सेम आएगा, दूसरे का भी आंसर आएगा रूट टू टाइम्स ऑफ आई एल बी नॉट, घर पे करियो। अब तब तक हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन के लिए मेरे को थोड़ा साफ यहाँ पे साफ सफाई करना होगा। चलो अब सॉल्व कर रहे हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन में तुम्हारे पास एक स्ट्रेट पोर्शन है या एक स्ट्रेट सेक्शन है और एक तुम्हारा कर्व सेक्शन है, तो दोनों पे सेपरेटली फोर्स फाइंड करो और फिर उसके बाद उनका वेक्टर समेशन करना। तो चलो तो हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले लिया है स्ट्रेट सेक्शन। हाँ ठीक है, सुनो हम बोल रहे हैं कि इस सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम दो सेक्शन को सेपरेटली सॉल्व करो। दो सेक्शन सेपरेटली का मतलब ये स्ट्रेट सेक्शन को अलग से और वो जो कर्व सेक्शन है उसको अलग से। अब आया आवाज, तो दोनों ही आपका सेक्शन स्ट्रेट लो या आप कर्व लो, दोनों में करेंट तो सेम ही आएगा 2 एम्पियर का। अब देखते हैं कि हमको लेंथ दिया है स्ट्रेट वाले सेक्शन का 3 मीटर और वो वायर प्लेस था लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो जो उसका लेंथ वेक्टर आएगा वो भी आएगा तुम्हारा प्लस आई कैप में, तो इसके लिए एल वेक्टर आने वाला है तुम्हारा 3 आई कैप। जो बी वेक्टर है वो तो दोनों ही के लिए सेम आएगा, दोनों सेक्शन के लिए, और आपका दिया है 2 टेस्ला, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 2 टेस्ला, और कहाँ है आपका डिरेक्शन परपेंडिकुलर टू द पेज गोइंग इनवर्ड, तो आप उसको माइनस के मान सकते हो, तो
हो जाएगा आपका फील्ड टू माइनस के कैप, और करेंट तो आपका वही हो गया है 2 एम्पियर। तो इस पहले सेक्शन को मैं मानता हूँ स्ट्रेट सेक्शन, तो एफ वन क्या हो जाएगा आई एल क्रॉस बी से, तो आई आपका हो गया 2 एम्पियर, एल कितना आया है 3 आई कैप, क्रॉस बी कितना है तो 2 माइनस के कैप, तो यहाँ पे 3 × 2 × 2 आपका हो जाएगा 12। एंड आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के होता है माइनस जे, और माइनस पहले से एक तो है आपका हो जाएगा प्लस जे कैप, तो आप राइट हैंड थंब रूल से भी कर सकते हो। तो ये आपका आ गया एफ वन, दिस इज द एफ वन, स्ट्रेट सेक्शन पे फोर्स आ गया है 12 जे कैप। अब फाइंड करते हैं जो आपका कर्व वाला सेक्शन है, वो तो एक सेमी सर्कल है, उस काम को तो फाइंड करने आता ही है। ये हो गया बी, ये आपका हो गया सी, करेंट तो वही हो जाएगा 2 एम्पियर का, और इस बार जो इसका लेंथ वेक्टर तो ये आएगा ना, लेंथ वेक्टर इज बीसी वेक्टर, और बीसी का हमको लेंथ दिया है कितना 4 मीटर, तो आपका हो जाएगा 4, और बीसी वेक्टर का जो आएगा डायरेक्शन, हाँ तो आपका आ जाएगा प्लस जे कैप में, तो आ जाएगा 4 जे कैप, दिस इज द लेंथ वेक्टर। तब फाइंड करो इसके लिए फोर्स एफ टू, तो करेंट तो 2 ही है, तो 2 एल क्रॉस बी, तो एल आपका हो जाएगा 4 जे कैप, क्रॉस सॉरी एल हो जाएगा, हाँ ठीक है एल आपका हो गया 4 जे कैप, और बी कितना आएगा 2 माइनस के कैप, तो ये आने वाला 4 × 2 × 2 16। जे क्रॉस के क्या होता है, जे क्रॉस के इज आई, और एक पहले से माइनस था तो माइनस आई कैप, तो ये आपका आ गया एफ टू −16 i कैप। तो नेट फोर्स क्या आएगा बोलो जल्दी से, एफ वन प्लस एफ टू, तो 12 j कैप −16 i कैप। अब ये तुमको मिला है फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, अगर तुमको इसका फाइंड करना हो मैग्नीट्यूड, तो मॉड एफ कितना आएगा आई कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का होल स्क्वायर, तो आई वाले का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस जे वाले का हो जाएगा स्क्वायर 256, सॉल्व करने के बाद आएगा 20 न्यूटन। सो 20 न्यूटन इज द नेट फोर्स, समझ में आया बोलो बोलो। ओके अब ये क्वेश्चन हम एकदम फटाक से करते हैं एकदम जल्दी से, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर का साइड लेंथ 2 मीटर है, हर एक साइड में करेंट 3 एम्पियर का है, और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और वो 2 टेस्ला का है, हमको फिर से फाइंड करना है नेट मैग्नेटिक फोर्स। तो तुमको इस क्वेश्चन में 3 सेक्शन दिख रहा होगा, मैं तीनों सेक्शन को सेपरेटली करता हूँ ड्रॉ, ये पहला सेक्शन ए सी डी, ये दूसरा सेक्शन, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका हुआ सेकंड सेक्शन ए डी, और थर्ड सेक्शन आपका है ये बीच डायगोनल वाला ए डी, है ना, और हर एक सेक्शन में करंट आपका आई है, और तुमको बताना है नेट फोर्स। अब सोचो कैसे सॉल्व करें, तुम ध्यान से देखो, तो इस पहले सेक्शन के लिए जो एल वेक्टर आएगा वो कुछ देखो आएगा ना, और फर्स्ट सेक्शन लेंथ वेक्टर इज यही ना डायगोनल एल वेक्टर, और सेकेंड सेक्शन एल वेक्टर इज अगेन डायगोनल, और फॉर थर्ड सेक्शन तो डायगोनल ही होगा एल वेक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो, तो ये तुमको समझ में आया कि नहीं आया जल्दी से बताओ, तीनों सेक्शन के लिए जो तुम्हारा एल वेक्टर आएगा वो सेम आएगा। अरे बताओ भाई, तो अगर तीनों सेक्शन के लिए एल वेक्टर सेम आ रहा है, तीनों में करंट सेम था, तीनों सेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है, मतलब ये तीनों सेक्शन पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, जो डायरेक्शन आएगा वो भी सबका सेम आएगा, समझ में आया कि नहीं आया। तब एफ वन इज इक्वल टू एफ टू इज इक्वल टू एफ थ्री, जल्दी से बोलो क्यों सेम हुआ, तीनों में करेंट सेम था, तीनों का एल वेक्टर सेम आ गया, और तीनों को हमने सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, मतलब कि हम सिंपल बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स इज जस्ट 3 टाइम्स ऑफ किसी एक पे, तो किसी एक पे फाइंड कर लो। ओके तो
किसी एक पे फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे कि मॉड एफ वन इक्वल टू यही ना आई और एल और बी और साइन थीटा। आप चाहो तो इसको आई जे के में भी कर सकते हो, लेकिन इस बार तुम इसको आई जे के में मत करना, तुम आई एल बी साइन थीटा में ही करो, इस बार जस्ट फाइंड करो मैग्नीट्यूड। ओके क्यों? क्योंकि आप अगर यहाँ पे एल वेक्टर को सेपरेट करने जाओगे तो उसका आई कंपोनेंट भी आ जाएगा और उसका जे कंपोनेंट भी आ जाएगा, तो वो थोड़ा सा मेहनत वाला काम हो जाएगा। तो सिंपल हम लोग करेंगे आई एल बी साइन थीटा से। अब मेरा बी कहाँ है? परपेंडिकुलर टू द पेज गोइंग इनवर्ड। और जो मेरा स्क्वायर था उसका डायगनल कहाँ आएगा? पेज में ही आएगा ना। तो फिर से जो एंगल आपका मिलने वाला है एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, वो मिल जाएगा आपको 90 डिग्री। तो सिंपल फोर्स आने वाला है आई एल डी। तो आई कितना था देखो, तो 3 एम्पियर ना, तो 3। और एल क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द डायगनल। एल आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ द डायगनल। ओके सर, तो साइड लेंथ हमको दिया हुआ है 2 मीटर, तो लेंथ क्या हो जाएगा? रूट टू टाइम्स ऑफ साइड लेंथ, तो 2√2। और बी कितना दिया है? 2। और बी दिया है 2, तो हो जाएगा तुम्हारा 3 2 6 2 12, 12√2। तो 12√2 आपका ये आया फोर्स ऑन वन सेक्शन। तो हमको नेट फोर्स बताना था, तो 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स ऑफ मॉड एफ वन मतलब 36√2 न्यूटन। समझ में आया? बोलो। देखो ये क्वेश्चन है कि अ कंडक्टिंग वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके, कैरीज अ करेंट 2 एम्पियर एज शोन इन द फिगर फुल स्टॉप। दिस वायर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इक्वल टू -4 kcT। मतलब कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है परपेंडिकुलर टू द पेज गोइंग इन वन। अच्छी बात है। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर इन न्यूटन इज, चार ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि इस वायर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है। तो सबको यहाँ पे वायर दिख रहा है, उसका दो एंड ए और बी है, और वायर को मैंने एक पैराबोला के फॉर्म में बेंड किया हुआ है, और वो जो पैराबोला का इक्वेशन है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो हमको एक बार पता है कि मैग्नेटिक फोर्स एफ इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हमको करेंट पता है 2 एम्पियर। हमको मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पता है -4 kcT। बस हमको फाइंड करना है एल वेक्टर। और एल वेक्टर अपने को फाइंड करने आता है, यहाँ पे ये कर्व वायर है ना, तो हमने क्या बोला था कि आप उसके दो एंड पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन करो। तो उसका एंड पॉइंट कौन सा है ना? ए और बी। तो ए और बी को हम लोग एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो ए और बी को हमने एक लाइन से ज्वाइन कर दिया, और इसका लेंथ होने, मान लिया कि इसका लेंथ एल था। और करंट कहाँ था इस वायर में? फ्रॉम ए टू बी। तो ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, तो जो लेंथ वेक्टर होगा वो भी होगा फ्रॉम ए टू बी, तो कुछ ऐसा आ रहा होगा। मतलब कि जो भी मेरा लेंथ वेक्टर आएगा वो आएगा लेंथ ऑफ द ए बी एंड -j कैप में आएगा। कहाँ आएगा? -j कैप में आएगा। इतना तो ठीक है सबको ना? ओके सर, अब बस आपको इसका लेंथ फाइंड करना है। अब लेंथ कैसे फाइंड करें, मेन काम यही है। तो उस पर तुम अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे, तो मेरे को इससे पैराबोला का इक्वेशन दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, और तुमको इस डायग्राम से दिख रहा होगा कि ये जो ए और बी है, तो इस दोनों पॉइंट के लिए जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो कितना है? वो देखो 2 है। सब लोग देखो ध्यान से, इस दोनों पॉइंट ए और बी के लिए एक्स का कोऑर्डिनेट 2 है, तो क्यों ना हम लोग इस इक्वेशन में इन वाई स्क्वायर बराबर 2x पुट पुट एक्स बराबर 2। तो आप जैसे ही एक्स बराबर 2 पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, तो आपको ए और बी का वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, तो वहां से आप उसका लेंथ भी फाइंड कर सकते हो, लेंथ ऑफ द ए बी। तो हम जब यहाँ से करेंगे पुट, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 × 2 मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। देखो यहाँ से वाई आ जाएगा +-2 आएगा ना, +-2 मतलब ये जो पॉइंट ए था इसका कोऑर्डिनेट है 2,2, और ये जो पॉइंट बी है इसका कोऑर्डिनेट है 2,-2। समझ में आया क्या? जल्दी बोलो। तो आप, तो अगर पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 2,2 है और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 2,-2 है, मतलब कि लेंथ ऑफ ये ए बी कितना आने वाला है? लेंथ ऑफ ए बी आने वाला है 4 मीटर। देखो तो आएगा क्या, चेक करो कि ऊपर 2 और नीचे 2, तो 4।
तो तुम्हारा जो एल वेक्टर आएगा वो आएगा 4, और वो तुम्हारा आने वाला माइनस जे में, तो माइनस जे के हो गया। जल्दी पुट करो वैल्यू, तो आई की जगह पे 2, एल वेक्टर तो हो जाएगा 4 माइनस जे कैप क्रॉस बी कहाँ था, माइनस 4 के कैप में, तो 4 × 2 × 4 तो यहाँ हो जाएगा 32, और ये माइनस जे है और माइनस के है तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, एंड जे क्रॉस के क्या होता है, जे क्रॉस के इज आई कैप, तो आंसर तुम्हारा आने वाला है 32 आई कैप। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आया क्या, जल्दी बोलो। तो आज हमने बेसिक किया कि किसी एक करेंट कैरिंग वायर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक करेंगे इसी पे है बेस्ड, वो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।